अभी मैं देख रहा था कि पूरे यूरोप और अमेरिका के अंदर जो है वो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि हिंदूज को बचाया जाए। यूनाइटेड नेशंस हैज कंडेम्ड द अटैक ऑन हिंदूज इन बांग्लादेश। माइनॉरिटीज पे हमले करना ये तो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको हम किसी कोई भी मुआशरा जो है वो जस्टिफाई कर सके। वायलेंस अगेंस्ट द माइनॉरिटी हिंदू कम्युनिटी इन बांग्लादेश, अ स्पोक्सपर्सन फॉर द यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस सेड दैट ही स्टैंड्स अगेंस्ट एनी रेशियली बेस्ड अटैक्स और इंसाइटमेंट्स टू वायलेंस। प्रोटेस्ट हो रहा है टोरंटो के अंदर, कैलगरी के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर, और बहुत सारी ऐसे जो यूके के अंदर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वेस्ट मिनिस्टर पार्लियामेंट के आगे हो रहे हैं, बर्मिंघम में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने न्यू हेड ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश की जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसके न्यू हेड मोहम्मद यूनुस को ये कहा है कि मेक श्योर करें कि बांग्लादेश के अंदर जो हिंदूज हैं उनकी सेफ्टी जो है वो यकीनी बनाई जाए। ये एक बहुत स्ट्रांग मैसेज है। मोदी जी ने यह भी बोला, जो हिंदुओं के ऊपर जोर जबरदस्ती हो रही है, जो उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, आप इसको कृपा करके रोकें। मोहम्मद यूनस उनके जो नए इस टाइम बांग्लादेश के लीडर आए हैं इतने स्ट्रांग मुझे नजर नहीं आ रहे, लेकिन माइनॉरिटीज पे वहां पे जो उनका जुल्म या उस तरीके से जो अटैक है वो रुक नहीं रहे। इवन मोहम्मद यूनस ने खुद ही अनाउंसमेंट की है कि अगर ये अटैक ऐसे ही होते रहे तो मैं गवर्नमेंट छोड़ दूं। ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं ये सिर्फ इसीलिए कह रहे हैं हो रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि बताया बचाया जाए हिंदूज को, बताया जाए बचाया जाए जो बांग्लादेश के अंदर जिनके ऊपर हमले हो रहे हैं। यू आर द हेड ऑफ गवर्नमेंट यार, आप सरकार आपके अंडर है, आप बोलो फौज को, आप बोलो पुलिस को कि मार मार के सुअर बनाओ जो कर रहा है, सबको फिट करो 2 मिनट के अंदर, क्या दिक्कत है भाई, दिक्कत क्या है। माइनॉरिटीज पे हमले करना ये तो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको हम किसी कोई भी मुआशरा जो है वो जस्टिफाई कर सके। अभी मैं देख रहा था कि पूरे यूरोप और अमेरिका के अंदर जो है वो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि हिंदूज को बचाया जाए। देखें ये जो मुस्लिम मुआशरे हैं इनका वो बड़ा इनके ऊपर बड़ा सख्त इम्तिहान है, और वो इम्तिहान ये है कि जो जो माइनॉरिटीज जहां जहां मौजूद हैं उनको प्रोटेक्ट करना मुसलमान मुआशरों का, ये सोसाइटीज का काम है। ठीक है जी। अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं देख रहा था कि लंदन के अंदर जो है वो प्रोटेस्ट हो रहा है, टोरंटो के अंदर, कैलगरी के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर, और बहुत सारी ऐसे जो यूके के अंदर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वेस्ट मिनिस्टर पार्लियामेंट के आगे हो रहे हैं, बर्मिंघम में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं ये सिर्फ इसीलिए कह रहे हैं हो रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि बताया बचाया जाए हिंदूज को, बताया जाए बचाया जाए जो बांग्लादेश के अंदर जिनके ऊपर हमले हो रहे हैं, और दिस इज समथिंग। लेकिन ये मैं चीज जानना चाहता हूँ कि बांग्लादेश के अंदर हिंदूज को क्यों टारगेट किया जा रहा है, अहमदीज को। बल्कि आज मैंने सुना उनसे, क्या नाम है उनका, जो मोहम्मद यूनुस साहब से मैंने सुना, उन्होंने ये कहा कि किसी को कोई हक नहीं है कि वो टारगेट करे हिंदूज को, अहमदीज को, सिखों को, बाकी जो भी माइनॉरिटीज हैं। बल्कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इस पे स्टोरीज की कि हिंदूज इन बांग्लादेश फेस अटैक जैसे ही। सो ये जो एक इम्प्रेशन है कि शायद शेख हसीना वाजद जो थी शी वॉज अ प्लूरलिस्ट लीडर, शी वॉज अ लीडर दैट वॉज प्रोटेक्टिंग द माइनॉरिटी। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने न्यू हेड ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश की जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसके न्यू हेड मोहम्मद यूनुस को ये कहा है कि मेक श्योर करें कि बांग्लादेश के अंदर जो हिंदूज हैं उनकी सेफ्टी जो है वो यकीनी बनाई जाए। ये एक बहुत स्ट्रांग मैसेज है। बहुत स्ट्रांग मैसेज ये किस लिए है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ये पहला मैसेज है बांग्लादेश की नई हुकूमत को, इंटरिम हुकूमत जो बनी है उसको ये पहला मैसेज है। फर्स्ट मैसेज ही बहुत स्ट्रांग मैसेज के तौर पर सामने आ रहा है, और उसमें उन्होंने हिंदू लफ्ज़ बाकायदा इस्तेमाल किया है, माइनॉरिटीज़ के लिए भी कहा है लेकिन हिंदुओं के लिए उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, और कहा है कि आप ये इसको मेक श्योर करें। मैं आपको एग्जैक्टली बताती हूँ, सिर्फ यही नहीं है बल्कि डेवलपमेंट ये भी है कि बांग्लादेश और इंडिया के बीच पहली कमेटी बन गई है, यानी इंडो बांग्लादेश बॉर्डर कमेटी बन चुकी है, और ये इंडो बांग्लादेश बॉर्डर कमेटी में दोनों तरफ की अथॉरिटीज़ ने ये मेक श्योर करना है कि कैसे वो वहाँ की माइनॉरिटीज़ को तहफ़ फराहम करेंगे, उनको सेफ्टी कैसे दी जाएगी। मैं आपके सामने इस कमेटी की भी सारी डिटेल्स रखती हूँ। पहले हम बात कर लेते हैं, जनाब मोदी साहब ने एक ट्वीट किया, और वो ट्वीट जो है उसमें उन्होंने एक तो मुबारकबाद दी है मोहम्मद यूनुस को, और साथ में उन्होंने कहा है कि आपका ये काम है सबसे पहले जो है कि आप इसको जो है ये देखें। उसमें उनका कहना था कि माई बेस्ट विशेज टू प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ऑन द एजम्पशन ऑफ हिज न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वी होप फॉर एन अर्ली रिटर्न टू नॉर्मलसी इंश्योरिंग द सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन ऑफ हिंदूज एंड ऑल अदर माइनॉरिटी कम्युनिटीज। इंडिया रिमेन्स कमिटेड टू वर्किंग विद बांग्लादेश टू
फुलफिल द एस्पिरेशंस, और साथ में उन्होंने कहा कि शेयर्ड एस्पिरेशंस ऑफ बोथ आवर पीपल्स फॉर पीस सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट. तो एक तरफ जहां भारत की तरफ से, भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से बांग्लादेश की नई हुकूमत को एक मैसेज दिया गया है मिलकर काम करने का, वहीं पर उससे पहले ये कहा गया है कि हिंदुओं की सिक्योरिटी और सेफ्टी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको ये करना पड़ेगा. देखिए ये जो मैसेज दिया है, एक तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज इसलिए है कि पहला मैसेज दिया जाता है उसमें क्या किया जाता है कि आप मुबारकबाद देते हैं. मुबारकबाद उन्होंने दी, लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा है कि ये कीजिए आप, सबसे पहले आपका ये काम है. और उससे असर क्या हुआ है, उससे असर ये पड़ा है कि जैसे ही मोहम्मद यूनस ने अपना ओहदा संभाला है, क्योंकि उन्होंने ओथ ले लिया, तो उन्होंने सबसे पहला काम ये किया है कि उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ, प्रोटेस्टर्स के साथ, जो उस जो भी अथॉरिटीज़ हैं उस सिलसिले में, उनसे बातचीत की है. और उस पर उन्होंने बाकायदा मीडिया के सामने भी ये बात की है उनसे कि हिंदुओं की जो सेफ्टी है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सबने मिलकर ये करना है. मोदी जी ने यह बोला कि मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप अंतरिम सरकार के हेड बने हैं. और फिर मोदी जी ने यह भी बोला जो हिंदुओं के ऊपर जोर जबरदस्ती हो रही है, जो उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, आप इसको कृपा करके रोकें. मोहम्मद यूनुस ने एक अलग से बात करी है, मोदी जी के ट्वीट के जवाब में नहीं, उन्होंने अलग से यह बात करी है कि आप बांग्लादेशियों ने अगर मुझे ऐसा लायक माना है कि मैं आपका लीडर बनूं, चाहे अंतरिम सरकार में बनूं, तो सबसे पहले आपको एक काम करना होगा, ये दंगा फसाद आपको बंद करना होगा, और जो माइनॉरिटीज हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनके ऊपर आप जो हमले कर रहे हैं, आप इनको बंद करिए फौरन. और अगर आपने बंद नहीं करे तो फिर इससे बेहतर है कि मैं ही कुर्सी छोड़कर चला जाऊं, आप लोग खुद अपना काम देख लो. दोस्तों इसमें दो तीन चीजें हैं. देखिए मोदी जी ने जो कहना था मोदी जी ने कहा. अब मैं मोहम्मद यूनुस पे आता हूं. मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये कैसा कमजोर किस्म का आदमी है. मैं ये नहीं कह रहा भला आदमी नहीं है या बुरा आदमी नहीं है या ये कमजोर आदमी है. यू आर दी हेड ऑफ गवर्नमेंट यार, आप सरकार आपके अंडर है. आप बोलो फौज को, आप बोलो पुलिस को कि मार मार के सुअर बनाओ जो कर रहा है, सबको फिट करो 2 मिनट के अंदर. क्या दिक्कत है भाई, दिक्कत क्या है. शेख हसीना कहां पे चूक गई. शेख हसीना ने जब बोला कि बंद करवाओ, बांग्लादेशी फौज ने शेख हसीना का हुक्म नहीं माना. उसने बोला नहीं साहब, हम इनके साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि ये बेचारे स्टूडेंट हैं. स्टूडेंट हैं वो, ये कैसे स्टूडेंट हैं. और मैं एक बात जानना चाहता हूं, भारत में कुछ मीडिया में लोग या कुछ सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि यह है स्टूडेंट की ताकत, यह है छात्रों की ताकत, कि जब छात्र जाते हैं तो सरकार, ये रेप कर रहे हैं लोग, ये हिंदू बच्चे उठा के ले जा रहे हैं, बच्चियां उठा के ले जा रहे हैं ये लोग इनोसेंट लोगों के घर में जा रहे हैं, उनकी खोपड़ियां उतार रहे हैं. ये स्टूडेंट हैं, ये आतंकवादी हैं, ये दीज पीपल आर टेररिस्ट्स. ठीक है ना, इनको स्टूडेंट नहीं बोलते. इंडिया में तो पता नहीं ये कल्चर है, ये वोक कल्चर जो आ गया ना बीच में, लेफ्ट लिबरल वोक कल्चर, ये सबसे घटिया सी कैटेगरी का बी ग्रेड कल्चर है. हर चीज को, हर प्रोटेस्ट को रोमांटिसाइज कर देना, चाहे वो बिल्कुल घटिया से घटिया चीज पे हो, हर प्रोटेस्ट को रोमांटिसाइज कर देना. ये खुद सिस्टम के बेनिफिशियरी हैं दोस्तों, मैं आपको इनके बारे में बताता हूं. ये खुद सिस्टम के बेनिफिशियरी हैं. एक सिस्टम होता है ना, उस सिस्टम के बेनिफिशियरी हैं ये सब लोग. ऐसे हैं कि किसी को यहां से बोटी मिल रही है, किसी को यहां से रोटी मिल रही है, लेकिन अपनी एक ऐसी छवि बना, हम वहां पे बांग्लादेश के स्टूडेंट के साथ खड़े हैं. अबे छोड़ो यार, तुम खान मार्केट में खड़े हो, किसको झूठ बोल रहे हो. ने ये कहा कि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज, इसलिए कि पूरी दुनिया को पता चल गया ना, मतलब